और इधर शिकायत करने के लिए भिंड कलेक्टर पर एफआईआर की मांग की जा रही है। दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह ये भिंड के देहात थाना पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर के खिलाफ ये शिकायत है। कलेक्टर के वायरल ऑडियो को लेकर ये सभी एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। थाने में केस दर्ज न होने पर कोर्ट जाने की बात भी इन्होंने कही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज दरअसल कांग्रेस इकट्ठा हुई थी भिंड में। महोदय ने फोन पर, विनोद जैन को फोन पर कहा कि मैं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाऊंगा, केवल मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला सकता हूं। हिंदू मुसलमान का ये फैसला है। जो कर्मचारी, जो अधिकारी आखिर यात्रा देगा, प्रशांतता करेगा, नियम विरुद्ध काम करेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव रहेगी। और वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पटवारी, चाहे हवलदार हो, चाहे तहसीलदार, गड़बड़ किए गए हैं उन पर नफ्ती करना, शासकीय भूमि को वापस उसके मालिकान तक लौटाना, और ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। इसी बात को लेकर शायद चिंता जाहिर कर रहे हैं कांग्रेसी जन, और कांग्रेसी जनों की इस चिंता को उन्होंने अपने अभिलेख में उतार कर अपने पत्र के माध्यम से। और सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ भिंड से जुड़े हुए हैं। रवि रमन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? ललित जी, मैं आपको बताऊं कि जब से पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के लाहर की कोठी का जब से सीमांकन का कार्य शुरू हुआ है, तब से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं, लेकिन इसी आरोप प्रत्यारोप के चलते भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को चालू किया था। इसी को चलते आज भिंड में पूरी प्रदेश और राष्ट्रीय कांग्रेस आज एकजुट हुई थी, एक मंच पर दिखी थी, और लगातार वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, या चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हो, या कांग्रेस के जितने भी अरुण यादव और हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष, सभी नेताओं ने एकजुट होकर एक आवाज में सरकार को और प्रशासन को, भिंड के प्रशासन को घेरा था और लगातार कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इसी बीच एक यू टर्न इसी तरह लिया कि अचानक दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जो पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह साथ में हेमंत कटारे, राकेश चौधरी के साथ अचानक देहात थाने पहुंची, जहां पर उन्होंने भिंड कलेक्टर के एक वायरल ऑडियो के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कराने की एक शिकायती आवेदन दिया है। जिसमें थाने में आवेदन देने के बाद जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि कलेक्टर के द्वारा दो भिंड में हत्याएं हुई थी, जिनमें एक हत्या पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो उल्लेख किया है, इस पर कांग्रेस ने जरूर आपत्ति जता दी है और लगातार इस पर हमलावर भी रही है कांग्रेस। लेकिन आज शिकायती आवेदन दिया गया और ये भी कहा है, चुनौती, ये चेतावनी भी दी गई है ललित जी, कि अगर यदि थाना प्रभारी अगर यदि सत्ता और शासन के अगर दबाव में अगर यदि एफआईआर नहीं करेगा तो मैं कोर्ट की दहलीज तक भी खटखटाऊंगा, लेकिन कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज कराने की लगातार कांग्रेस अब मांग पर उतर आई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रवि रमन इस तमाम जानकारी के लिए।